गूगल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो मोबाइल है सैमसंग का F12 आप कैसे ले सकते हैं, वो भी 8500 में ओनली। ओके, तो कैसे लेना है, मैं फ्लिपकार्ट से अभी भी मंगवाया हूँ, तो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ कि इसका क्या है और सिस्टम क्या है और कैसा मोबाइल फ़ोन है और फीचर्स क्या है इसका, जो कि चीप एंड बेस्ट है। ये लेटेस्ट वर्जन है और ये कम दाम में बहुत ही अच्छा फीचर्स के साथ है। ये 4GB 64GB है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 MP कैमरा है और यहाँ पे 4 कैमरा है और 8 MP फ्रंट कैमरा है। और ये जो आपका बैटरी जो है आप देख सकते हैं, बैटरी बैकअप जो है 6000 mAh का है, यानी कि पावरफुल है। और बाकी जो फीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, लेटेस्ट वर्जन है। और इसकी प्राइस जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 4 GB RAM और 64 GB ROM। और इसका प्राइस भी मैं दिखा देता हूँ, इसका प्राइस यहीं कहीं लिखा होगा, इसका प्राइस अबाउट 13,000 है, बट मैं इसके लिया हूँ 8500 में ओनली। ओके, तो मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये खुल सकते हो, खोलते ही देखिए ये जबरदस्त लुक है, क्या साइनिंग है इसका, बहुत ही बेहतरीन इसका साइनिंग है और लेटेस्ट वर्जन है। और मैं उससे पहले मैं इसका बिल दिखा देता हूँ, मैं कितना में लिया हूँ, बिल आपको दिखा देता हूँ। मैं लिया हूँ 8549 रुपये में ओनली, यानी कि ओनली 8549 रुपये में ये फ़ोन लिया हूँ, जो कि ऑफर में मैं ICICI के क्रेडिट कार्ड से ये लिया हूँ। देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ और ये देखिए इसके साथ ये चार्जर है और ये डाटा केबल है, जो कि इसका आप यूज कर सकते हैं चार्जिंग में। और ये मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, मोबाइल का मॉडल बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं 4 कैमरा है यहाँ पे। और ये पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट्स भी है, साइड फिंगरप्रिंट्स, तो मैं साइड फिंगरप्रिंट से ऑन करता हूँ थोड़े दाबने रहने पे। और ये प्लस ये माइनस, यानी कि वैल्यूम अप डाउन है, ये देख सकते हैं ओपन हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे आ रहा है। और ये वेट इसका कुछ ज़्यादा नहीं है बट मीडियम है, कुछ कम भी नहीं है इसका वेट। और ये लेटेस्ट वर्जन है, आप इसे चूज कर सकते हो, जो कि चीप एंड बेस्ट है। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ओपन हो चुका है, मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपको भी ये फॉलो करना है, कोई भी नया फ़ोन लेते हो तो इसे स्किप कर देता हूँ, मुझे अभी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्किप। देखिए इसका टच जो है स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा टच चल रहा है इसका, एकदम स्मूथली है और चलाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे कम बजट के हिसाब से इसे आप चूज कर सकते हो इस चीज़ को, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और मैं इसे स्किप करता हूँ, मैं पिन वगैरह कुछ नहीं डालता हूँ, अभी बस टेस्ट करना है, कैमरा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको ये सिंपली ये कैसे मिलेगा, आपको अभी ऑफर चल रहा है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ऑफर है फ्लिपकार्ट में, वहाँ से आप चूज कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्राइस दिखाएगा 9500, बट आप अगर ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उससे 1000 आप डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके, बस पेमेंट आपको ऑनलाइन पहले से करना है, एक्सेप्ट। और इसके साथ ये जो देता है वो है ही, ये देख लीजिए पिन है, जो कि ये सिम लगाने में काम आता है। इसके अंदर क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, इसके अंदर बस गाइड है जो कि कैसे यूज करना है, बस इसमें टेम्पर अलग से, इसमें कोई कवर नहीं दिया गया है, जो कि आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा वो कवर, तो आपको बैक कवर जो है इसमें अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन अब 8500 में आपको क्या चाहिए, इतना कुछ मिल गया है वो काफ़ी है। देखिए ये फीचर्स इसका देख सकते हैं आप, इसका जो है तो ये टच इसका मैं देख सकता हूँ, बहुत स्मूथली काम कर रहा है इसका टच। और मैं अबाउट फोन में जाता हूँ, इसका वर्जन भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो गैलेक्सी F12 है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है एकदम। और इसका कैमरा अगर मैं देखता हूँ तो कैमरा क्वालिटी क्या है, देखिए कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कैमरा का, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे जूमिंग का भी ऑप्शन है। देखिए कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, तो ये देखिए मैं कैमरा कुछ फ़ोटो लिया हूँ, जो कि कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कैमरा क्वालिटी है आप देख सकते हो। और ये मेरा सेल्फी है, सेल्फी भी आप देख सकते हो, सेल्फी बहुत बेहतरीन है, जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन, आप बजट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फ़ोन आप ले सकते हो।
8,500 के बजट में। इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा F12। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि उतना का बजट है आपका, 8-9 हज़ार के बीच का बजट है, तो आप यही फ़ोन सजेस्ट करें, यही फ़ोन लें, क्योंकि चीप एंड बेस्ट है ये। और उसके अलावा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप देख सकते हो इसमें फ़ीचर्स आप मोबाइल लेने के बाद। तो ये अच्छा फीचर्स है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन, आप ये फ़ोन ले सकते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए, ताकि ये मोबाइल किसी के बजट में चाहिए अपने दोस्तों को, तो इनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं टेक्निकल और बैंक से रिलेटेड हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।